राजस्थान में रविवार को कोरोना केसेस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 24 घंटे में प्रदेश में 62 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 46 मामले अकेले जयपुर से हैं। जयपुर में 6 महीने बाद एक ही दिन में सबसे ज्यादा नए पॉजिटिव सामने आए हैं। एक ही दिन में संक्रमित 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले तक औसतन 15 पॉजिटिव आते थे। 15 जून को जयपुर में 55 मामले आए हैं। जयपुर में बढ़ते केस अब प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। राहत बस इतनी सी है कि नए मरीजों में कोई गंभीर नहीं बताया जा रहा है। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो आज जयपुर के अलावा उदयपुर में 4, बीकानेर, गंगानगर में 3, अजमेर, प्रतापगढ़ में 2 और सीकर, जोधपुर में 1 केस मिले हैं। पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 318 हो गई है। जयपुर CMHO के मुताबिक सबसे ज्यादा 6 केस वैशाली नगर इलाके में मिले हैं। इसमें 5 केस तो एक ही परिवार में से हैं। इसके अलावा दुर्गापुरा में भी मिले 5 में से 4 केस फैमिली के बताए जा रहे हैं। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट में रखा गया है क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो विदेश से आया हो। जयपुर में दिसंबर महीने की रिपोर्ट देखें तो 26 दिन में 317 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें 28 केस तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं। जयपुर कोरोना के केस के नजरिए में राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जयपुर में रविवार की रिपोर्ट देखें तो केवल 1 केस ग्रामीण क्षेत्र बगरू में मिला है। वहीं शेष 45 केस जयपुर शहर नगर निगम सीमा के हैं। वैशाली नगर, दुर्गापुरा के अलावा सोडाला में 5, मानसरोवर, मालवी नगर, सी स्कीम, अजमेर रोड नंबर 3, कलता गेट, तिलक नगर, लाल कोठी में 2 और अन्य 10 जगहों पर 1 केस मिले हैं।